बोलिए गायत्री माता की जय। दादा गुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। शांति कुंज हरिद्वार की जय। तपोभूमि मथुरा की जय। देवात्मा हिमालय की जय। सप्तर्षियों की जय। पावन भूमि आमलखेड़ा धाम की जय। आज के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पते मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच में हमारे चिंतक मनीषी के रूप में हमारे वरिष्ठतम हमारे अग्रज बड़े भाई आदरणीय वीरेश्वर जी भाई साहब। उनको हम कोई विषय प्रस्तुत नहीं करेंगे, मगर हम सबके लिए प्रेरक उद्बोधन लेकर के आएंगे। वर्तमान समय में जो भी हमें करना चाहिए, हम सबके लिए प्रेरक बात क्या होना चाहिए, एक मार्गदर्शक के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय वीरेश्वर जी भाई साहब। अपनी बात हमारे सामने रखने की कृपा करें। सबको प्रणाम। बात यह है कि अब लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी गादे हमें तैयार नहीं, मैं अपनी तैयारी कर रहा था थोड़ा सा। घड़ी रखी है सामने, कैशन काउंट न करना हो। और भाइयों ने वहाँ जब बात हुई थी कि आप लोगों को आना है, लोगों को उत्साहित करने, तो यहाँ जो रिपोर्ट आपकी सुनी उससे तो हम उत्साहित हो गए। क्षेत्र में गुरुदेव की कितनी शक्ति काम कर रही है, हम अपने लोगों में कितना छोटा मूल्यांकन करते हैं, हमें और बड़ा मूल्यांकन करना चाहिए। अब हम आपको क्या उत्साहित करें, आपने हमें उत्साहित कर दिया। चलिए परस्परम भाव्यंता, अब हमें चलिए हम आपको करेंगे, करते जाएंगे ऐसे। और सबने अब क्या क्या कर रहे हैं, लगभग सब बातें आ गई। फिर हमारे भाइयों ने इनके सबके अनुभव इसमें किए अच्छी हैं। अब मैं सोच रहा था कि अब मैं क्या बोलूं, सब तो ये बोल दिया। सिकंदर को कहते हैं जब वो छोटा था तो उसके पिता फिलिप जब कोई जीत के आते थे तो वो कहता पिताजी सब जीत गए, फिर मैं क्या जीतूं। पर कोई बात नहीं, गुरुदेव के साथ रहा है, जब वो भाषण दे रहे थे तो रह जाता, तो मैंने तभी से एक सूत्र पकड़ लिया। गुरुदेव जो कहते थे उसी को इन लोगों को रिपीट करवा दो। गाय खा लेती है ना, फिर बैठ के पागुर जुगाली है, उससे फिर उसका पाचन अच्छा होता है, फिर बढ़िया दूध निकलता है ना। तो इन्होंने के बाद कह दिए बहुत बहुत साधुवाद कि हमारी इन्होंने पर्याप्त विषय दे दिया है, आपकी तरफ से भी जो हो रहे थे उनने भी और आप लोगों ने भी। अब मैं उसी की थोड़ी सी आपको जुगाली करवाता हूँ, गुरुदेव के साथ का जो अभ्यास है उससे। समय 5 बजे तक है, तब तक अपनी बात पूरी कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा भगवत स्मरण करके साथ साथ गायत्री मंत्र बोल के सब प्रश्न करेंगे। ओम नमस्ते सते ते जगत कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमो द्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापने शाश्वताय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो यद् भद्रं तन्न आसो। ओम शांति शांति शांति। सम्मान्य मंच, हमारे गुजरात क्षेत्र के सभी नीम के पत्थर अग्रदूत, नई पीढ़ी के होनहार, जो अभी कारीचरण जी कह रहे थे ना कि उन्होंने कहा तुम 10 गांव के राजकुमार, 10 कुमार ज़्यादा मत करो, ये आवाज़ ठीक है, बाद में क्यों बदलते, आवाज़ पीछे तक जा रही है ना,
ठीक जा रही है ना, ठीक। अब आप मत बढ़ाना, बढ़ाना होगा तो हम ही बढ़ा देंगे आवाज। तो उन्होंने कहा दस गांव के राजकुमार, दस गांव के जमींदार बनाना चाहता हूँ। उसमें एक और शब्द था, वो पीढ़ी आप पैदा कर रहे हैं, सृजनशील जुम्मेदार होनहार। होनहार शब्द था उसमें, सृजेता। जुम्मेदार लोग हुल्लड़ करने वालों को तो मिल जाते हैं, स्वार्थ वालों को मिल जाते हैं, गुटबाजी करने वालों को मिल जाते हैं, लेकिन जिन सृजनशीलों में जिम्मेदार कम है। तो सृजनशील प्रगतिशील होना, ऐसे लोग गुरुदेव चाहते हैं। आयोजन में प्रयोजन की बात कही गई, बात ध्यान आई, पहला अश्वमेध जयपुर में हुआ था, वो लोग आए कि हम अश्वमेध की रजत जयंती करना चाहते हैं। हमने भैया दिखावा करोगे कि कुछ वास्तव में करना, वास्तव में करना, तो फिर योजना बनी। तो हमने उनसे कहा, वो देव संस्कृत दिग्विजय के नाम से सब जगह संदेश पहुंचाया गया था कि कुछ ऐसा भी तंत्र है, भगवान की कोई ऐसी भी योजना है। समझे सर, और लोग तो ये कहते हैं आपने हमारे मठ में इतना बड़ा दान दिया, प्रभु आप पर बहुत प्रसन्न है। मठ ही ध्यान में है भगवान की, उससे आगे नहीं आता। आपने इसका ये भला कर दिया, प्रभु की बड़ी आपकी कृपा बरस, यही करते हैं। लेकिन सारे विश्व के लिए उज्ज्वल भविष्य की भी योजना है, भगवान उससे प्रसन्न होने वाला है। सारी दुनिया को विज्ञान ने एक कर दिया, पास पास ला दिया, सच बात है। कहीं भी 8-10-12 घंटे में हाथ में पहुंच जाता, दूसरे छोर तक 20 घंटे। और बात करना हो तो चाहे जब जैसे वो जादू का पुतला निकालो, हेलो, या ऑडियो कर लो, या वीडियो कर लो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लो, पास ला दिया। लेकिन दिक्कत है कि भौतिक जिससे पास आ गए हैं और मन नहीं मिल रहे हैं, तो रोज झगड़ा हो रहा है। दूर दूर थे तो झगड़ा नहीं होता था, अब पास आ गए, बार बार स्वार्थ मन में तो भिन्नता है। तो अब वो जो काम था वो हमारे जिम्मे आएगा। विज्ञान ने, टेक्नोलॉजी ने अपना काम कर दिया, भौतिक दूरियां हटा दी, अब आत्मिक दूरियां घटाना हमारा आपका काम है, जो गुरुदेव ने दे दिया पीड़ा। जो भी कह रहे थे ना हमारे गौर जी, बेटा राजनीति बदलना होती मैं 10 दफे बदल देता, लेकिन लोगों के मन बदलने की जिम्मेदारी मैंने ली है। वही बात है, ये मन जो पशुता से प्रभावित और पशुता को ही अपना संस्कार मान लेता है। और गुरुदेव ने लिखा, पश्चिम के विद्वान ने कहा कि ये तो बंदर से बना के ये सुधरा हुआ पशु या भटका हुआ देवता, ये पशु नहीं है, ये देवता है, अपने स्वरूप को भूल भर गया है। तो इतना याद दिलाना काम हो जाए, उस काम को शुरू किया। तो उनसे कहा, तो फिर बात ये बात आई कि अब पुष्टिकरण माने आप चले गए, अल्लाह बोलते हुए भारत माता की जय, की जय करके जब झंडा गाड़ दिया, आपके देख के कोई नहीं आया, आप गए फिर उखाड़ दिया झंडा, ये कोई दिग्विजय हुई क्या? पुष्टिकरण का मतलब है कि जहां हम गए वहां एक मजबूत टुकड़ी कायम हो जाए, और फिर वहां वो देखे आपने जब तक यज्ञ किया कोई छुआछूत नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब आ रहे हैं, सब प्रेम से बैठे हैं, और आप वहां से गए और फिर वही गुटबाजी, तो संस्कृति तो उखड़ गई। फिर से आपने पहुंचाया, लोगों को अच्छा भी लगा, उसमें उन्हें रस भी आया, उन्हें अपनाया भी। लेकिन फिर अब दी ब्लैंक डॉट 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 छोड़ देते हैं, लोगों को अच्छा भी लगा, प्रसन्नता भी हुई, और हम कर सकते हैं आपके संसोर से, विश्वास भी आया, उन्हें किया, और फिर बिखर गए। क्यों बिखर गए? कि जिनने प्रेरित किया था उन्होंने फिर संपर्क नहीं किया, और भ्रमित करने वाले रोज मिलते, इन्हें डरते डरते हमारे कहने से मैं कर रहा हूं गायत्री, कुछ नहीं होता यार, तू कर, भय बिठा दिया था ना,
अरे हम कर रहे हैं यज्ञ, मेरे साथ कुछ नहीं होता। इनने कर लिया, संयोग से इनको जुखाम हो गया, अब ये आ गए। मैं कह रहा था साले गायत्री मत करना, अभी तो जुखाम हुआ, अभी तुझे निमोनिया होगा, बेचारा डर गया। आप तो गए नहीं दोबारा उसका मनोबल बढ़ाने, ये करने के लिए। तो बात ये है कि हमारे कहने से जो प्रेरित हुए उनको आगे बढ़ाने के लिए तो हमारी बड़े भाई की जिम्मेदारी होना चाहिए थी। जो हमसे प्रेरित हुआ उसको आगे कौन पढ़ा, ये जिम्मेदारी हमें उठाना चाहिए। हाँ ठीक है, अभी बात ये थी ना, हम भी तो अपने को तैयार कर रहे थे। अच्छा, अश्वमेध किया था तब एक अच्छा संकल्प लिया था और कुछ अच्छा कर भी लिया था, आगे के लिए तैयार कर रहे थे। आपकी तैयारी का संकल्प अब 25 साल का नौजवान हो गया है, झूठ तो नहीं कह रहा। वो समय जो हाँ होगा, कभी होगा तो ये करेंगे। अब वो संकल्प 25 साल का हो गया, पट्ठा ताल ठोक के उतरे, अब दिखाते हम अपना काम। आपके मन में होना चाहिए कि अभी हमने परिचय दिया था, अब हम अपनी सामर्थ्य दिखाएंगे, हम क्या कर सकते हैं। परिचय देके चले आए थे, सुविधा नहीं साधना, ये संकल्प होना चाहिए। और हमारे दोनों भाइयों ने कहा गुरुदेव तो तैयार बैठे हैं, सब कुछ बना रखा है, अभी उतार दे। अब तमाम धाराएं भर रही हैं, ऐसे ही दिव्य का जैसा कहा ना कि शंकराचार्य मिले नहीं लेकिन उनको बोध है, ऐसे लोग नहीं मिले, वो किसी सुख जगत में करते थे। तो उन्होंने कहा ये युग निर्माण का, ये परिवर्तन का क्रम तो हो गया है, लेकिन परम गुरु सत्ता ने इसे थोड़ा दूर खिसका दिया है, क्योंकि देव शक्तियां समय पे अपना काम पूरा कर नहीं पाई। क्यों? अगर ये आया है बात कि ठीक है हाहाकार मचा, सूखा मचा है, बरसात लाओ, तो बरसात की भी तैयारी करनी पड़ती है। क्यों? बरसात आ गई और जगह जगह टपक रहा है, तो सोना और बंद हो गया। खाना बनाने चूल्हा जलाते सो उसी पर टपकने लगता है, अरे यार ये कौन सी मुसीबत आ गई, अरे तुम्हें तो बुलाई थी मुसीबत, नहीं हमने तो वर्षा बुलाई थी, तो वर्षा तो यही करेगी, तो अपना खपरेल ठीक क्यों नहीं किया तुमने, क्यों सर नालियां तो साफ नहीं की थी, अब सड़क पे पानी भर गया, अब उसमें पैर रखने में घिन आती है, अरे यार ये क्या मुसीबत आ गई, अब तो बाहर ही नहीं निकल, तुम्हें तो बुलाई थी मुसीबत, अरे मुसीबत तो बरसात बुलाई थी, बरसात आएगी तो सिर्फ खेत में नहीं आएगी, तुम्हारी खपरेल पे भी आएगी और तुम्हारी गली में भी आएगी, तुम क्यों भूल गए, तैयारी करो उसकी। जिसने तैयारी कर ली, थोड़ी तैयारी कर ली, उसको रात में ठंडी नींद आई, क्योंकि टपक नहीं रहा है, ठंडी हवा आ रही, बढ़िया नींद आ रही। बाहर निकलते थे तो अभी मच्छर काटते थे, अंदर रहा नहीं जाता था, बरसात आ गई और ठंडी हवा, आनंद है, तैयारी हो गई ना। जिसकी तैयारी हो गई, गंदगी धुल गई, नालियों में पानी हो गया, आराम से निकल रहे हैं, अब तो धूप दिन में भी निकल सकते हैं, ये मुसीबत खत्म हो गई। और ज्यादा तैयारी कर ली तो फिर साल भर की अनुदान दे के जाएगी वर्षा, साल भर की अनुदान दे के जाएगी। अगर ज्यादा सही तैयारी कर रही है तो आपके जलाशयों में साल भर के लिए पानी संचित हो जाएगा, आपका भूमिजल सलवार के लिए चार्ज हो जाएगा, आपका खेत उतनी उपज दे देगा जो साल भर आपका काम चलाएगी। लेकिन बताओ इस बरसात को मुसीबत बनाना है कि वरदान? नहीं बनाना है तो भैया फिर ये वो तो कह देंगे प्रकृति से कि चलो ठीक है डन, अभी हवा बदल दो, हमारी हवा निकल जाएगी, अभी हवा बदल देता है। ये किसी ने सुना था वंदनिया माता जी से कहने लगा, गुरुदेव सिधार चुके थे, वंदनिया माता जी से किसी ने कहा माता जी कहती युग निर्माण हो जाए कब हो जाएगा, तो माता जी मुस्कुराई, बोले बेटा युग निर्माण तो अभी कर दूं, तेरी इतनी बड़ी जीभ निकली आएगी, नहीं होगा युग निर्माण तुझसे, अभी चारों तरफ वही बात हो जाएगी। तो सुना रहे थे ना कि उसने पैर फैला करके उस पर रख दिया, तो छोटे से लड़के ने आकर के नीचे रूमाल डाल दिया,
फिर आपकी मुसीबत हो जाएगी, हर कहे टोके जाओगे, आपका घर से सौ जाना हर जगह मुश्किल हो जाएगा आपको। और फिर सूक्ष्म प्रकृति जिसने अनुशासन का उल्लंघन किया वो प्रकृति ही प्रहार कर देती है। बड़ा मुश्किल है, तैयारी करना है उसके लिए। तो मैं निवेदन कर रहा था, उन्होंने कहा अगले दिन कहीं हो जाएगा। और अभी जब लोकपाल को लेके बड़ा भारी हल्ला मचा था, कहा बदलने का कारण हो गया, अभी किसी की लोकपाल स्थापित करने की हिम्मत बन नहीं रही है, आंदोलन करने वालों की भी नहीं बन रही है। और उसी समय हमारे कलाम साहब ऋषि आत्मा थे, उन्होंने कहा ये लोग अभी जल्दी मत करो लोकपाल बनाने की, सही लोकपाल बैठ गया तो ऑफिस खाली हो जाएंगे और जेलों में जगह नहीं रह जाएगी, तो विधानसभाएं खाली हो जाएंगी और जेलों में जगह नहीं रहेगी, सब वही तो बैठे। तो भगवान ने थोड़ा डिले कर दिया इस काम को, प्रतीक्षा है तुम संभालने के लायक हो जाओ, और वो जिम्मेदारी हमने आपने ली है। ये मत देखो यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और ये भी जो कहा था गुरुदेव को नहीं देखा, बात सही है, ये बेटा है आपका प्रबंध संभाल रहा है, इसने भी गुरुदेव को प्रत्यक्ष नहीं देखा। क्यों देखा था? नहीं देखा, तो इसने क्या देखा? हमसे ज्यादा सही इसने देखा, हम तो गुरुदेव के साथ रहे हैं, इसका अहंकार हो सकता है, लेकिन इसको गुरुदेव को समझना है, इसके लिए अंदर बराबर से एक भाव बना हुआ है, ये तो हमसे ज्यादा भाग्यशाली इस मामले में। हमारे पुराने कहते हैं अहंकार भी दिखाते हैं, अब तो वो कम होती जा रहा है रोग। हम गुरु जी के साथ बैठे हैं, हमें माता जी भोजन पढ़ रहे हैं, क्या समझते हो तो हमारी नहीं सुनते। हे भगवान, गुरु जी ने यही सिखाया था, माता जी ने भोजन में यही संस्कार दिया था कि अपने छोटों को हड़का देना, उनकी हिम्मत तोड़ देना। अरे बड़े हो तो उनसे गलती हो तो कहते हो ठीक है फिर से कर, अब मैं खड़ा हूं, अभी क्या रखा आता गया मैं। अरे क्या होता है ना बड़प्पन, बड़प्पन क्या होता है इसको आपको तो समझना पड़ेगा। पता नहीं संस्कार वश या कैसे गुरुदेव ने गुजरात को बड़ा बेटा कह दिया ना, है ना, तो बड़प्पन क्या होता आपको समझना है। मोटे झीकरानी जिम्मेदारी पर मोटी हो छे ना, हूँ मोटो झीकरा छू, हूँ मोटो छू, तू शू करे छे, ये करेगा। मोटे झीकरानी जिम्मेदारी, मोटी झीकरी जिम्मेदारी मोटी हो छे, संभालने की हिम्मत करो, जिसने कहा वही शक्ति देगा आपको, लेकिन आप तो अपना संकल्प उसके संकल्प से अलग कर देते हो। संकल्प से शक्ति का संबंध है। जिस दिन आपका संकल्प उनकी अनुकूल हो जाएगा, शक्ति का तो उनके पास अपार भंडार है, दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं। जो संगठन के दौरे किए थे कच्छ क्षेत्र के बुजुर्ग कुछ करने को तैयार नहीं थे, तो समय हो रहा था कि क्या उम्र रही हो इनका, नई टीम बना और बन गई। हमारी तमाम बहन ऐसी थी, अब तो उनकी अवस्था हो गई लेकिन कर रही थी, और वो प्रयोग भी आपने शुरू कर दिया, अच्छी बात, तो हमने भी शुरू कर दिया। हमने गुजरात के लिए नए को जिम्मेदारी दे दी और वो काम बढ़ रहा है। और आपकी भी सफलता में इसी में देख रहा हूं कि आपने नयों को जिम्मेदारी देना शुरू कर दी है। ध्यान रखना, जिम्मेदार बनाना है तो पहले आदमी को जवाबदेह बनाओ। इफ यू वांट बॉडी टू बिकम रिस्पॉन्सिबल, मेक हिम आंसरेबल। तो मैं ये काम सौंपता हूँ, इतने समय में प्रगति की रिपोर्ट देना, आंसरेबल हो गया। जिसे आंसरेबल नहीं बनाया वो रिस्पॉन्सिबल कभी नहीं बनेगा, उसका आत्मविश्वास ही नहीं जाएगा। और अगर आप काम नहीं सौंप सकते हो तो आंसरेबल किसको बनाओगे? काम सौंपने की हिम्मत चाहिए आपको। अरे साहब कोई भी कुछ भी करेगा तो आपकी प्रज्ञा किस रूप में है आप देखिए, जिसमें संभावना दिखती उसको पिकअप करिए। आपने इतने दिन गायत्री का जपी,
धियो यो ना प्रचोदयात। हमारी बुद्धि किस लायक बनाए कि जो गुरुदेव ने कहा था कि एक से पांच खड़ी हो जाए, तो भैया आप अकेले बड़े समर्थ हो गए, अनुभवी हो, दो के बाद तीन के बराबर काम कर लेते हो, अच्छी बात। लेकिन जिस दिन दुर्बल हो जाओगे उस दिन कोई काम फिर वहीं जीरो पर पहुंचने की तरफ आ जाएगा, क्योंकि आपने अगली पीढ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई नहीं। बनाने में करने से ज्यादा सावधानी और ज्यादा श्रम पड़ता है। जब तक हो रहा है तब तक क्यों बनाऊं, और जब बनाना होगा तब करने लायक नहीं रह जाओगे, फिर बनेगी नहीं। अभी बनाओ। सिखाने वाले को ज्यादा कुशल होना चाहिए, ज्यादा तत्पर होना चाहिए, ज्यादा विवेकशील होना चाहिए। नया वेदाना बना देना आसान है, ये ट्रांजिस्टर्स बनते हैं, ये मोबाइल बनते हैं, ये करते हैं, एक जानकार बैठता है और ये कंपोनेंट सबको बता दे, यहाँ तू ये शोल्डर कर दे, यहाँ तू शोल्डर कर दे, यहाँ तू शोल्डर करेंगे, स्वयं टेस्ट करता है, ट्यूनिंग करता है, निकाल देता है। लेकिन जब वो गड़बड़ाता है तो वो मुख्य मिस्त्री भी गड़बड़ाता है, फॉल्ट लो कहाँ गड़बड़ है, कठिन काम होता है। गुरुदेव कहते थे दुनिया के दो काम ऐसे हैं जिसमें गांठ की अकल लगती है, रटे रटाए सूत्र यज्ञ कर दोगे, रटा रटाए सूत्र से भाषण दे आओगे, है ना, रटे रटाए सूत्रों को लोगों आसन व्यायाम सिखाया होगे। लेकिन ना दो काम ऐसे हैं जिसमें गांठ की अकल लगती है ओरिजिनल। कैसे, एक उनने कहा टूटे को बनाना, दूसरा रूठे को मनाना। इनमें अपने गांठ की अकल लगती है, बहुत अच्छी बनती थी इनकी। अरे गलत इंसान ये भी हैं और हम भी हैं, समर्पित हम हैं तो ये भी हैं, गुण हम में है तो इनमें भी हैं, लेकिन दोष भी तो हैं हम में भी इनमें। जिस दिन दोष सामने आमने सारे रूठ गए, अब मनाए कैसे जाता है। अभी वहीं बैठे भाइयों को गौड़ जी सुना रहे थे, तो रफी अहमद के भाई और दूसरे वो धर्म मानसी वो थे, बहुत अच्छे थे, वर्षों जेल में साथ रहे थे, लेकिन ऐसी किसी बात पर हो गई बोलचाल बंद हो गई। कसरता दोनों के मन में था लेकिन पहल कौन करे। ठाकुर साहब की बच्ची की शादी हुई, झल्लाहाट में उनने निमंत्रण नहीं दिया किन भाई साहब को, ये प्रांतीय उसमें उप मंत्री थे, वो केंद्र में थे, नेहरू जी के बहुत निकट के थे, रफी अहमद किन भाई साहब, उन्हें पता पड़ गया कि जब बारात आने का समय था तो अपने लवाजमे के साथ पहुंच गए और सीधे अंदर घुस गए। उनकी पत्नी से बोले भाभी जी प्रणाम, नमस्कार भैया। अरे भैया उनसे ठाकुर से झगड़ा हो गया, वो तो ठकराव दिखा रहा है, उससे तो बोलचाल बंद है, तुमसे तो हमारी बोलचाल बंद नहीं थी, तो तुम तो हमें सूचना देती माता जी। अरे भैया आओ बैठो, ऐसी हो गई। वो निकल करके आए, गले लगा लिया, बोले किर भाई साहब मैं हार गया आप जीत गए, मैं हार गया आप जीत गए। मनाने वाला जीत जाता है, रूठने वाला हार जाता है, ये बात समझ में आ जाए। रूठे को मनाना तो संबंध इतने बढ़िया हो जाए, और टूटे को बनाना, टूटेगा क्या, बस यही है, नए आदमी को काम दिया, कुछ करेगा कुछ बिगाड़ेगा क्यों सर। किसी बच्चे को बढ़ईगिरी सिखाएंगे तो कुछ लकड़ी खराब होगी, कुछ टूल्स खराब होंगे तो होंगे, वो सिखाता ठीक है तू कर मैं बना लूंगा, ला इतने पे मुझे दिखाना। आर्टिस्ट होता है पहले पुस्तक को बना, खाचा अस्तर लगा, फिर लाइनिंग कर, फिर हमें बना लेगा, फिर सुधार देता है, उसी तरह से जाता है। एक टेलर मास्टर तमाम कारीगर रखता है और उसी के स्तर के कपड़े निकलते चले जाते, सेटिंग करना जानता है, किसी को कटिंग खुद करता है, तुम ये बनाओगे, तुम काज बनाओगे, तुम ये लगाओगे, उसमें एक्सपर्ट कर देता है एक आदमी को, और वो निकल गया था फिनिश करके, अरे फलाने टेलर का क्या कहना, वो इतने बना सकता है क्या, कत ही नहीं बना सकता। लेकिन वो बनाने वालों को चुन सकता है, उनको श्रेय दे सकता है, उनको समझा सकता है, इसीलिए बड़ा आदमी बन गया। ये कौशल तो जगाना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, करिए प्रयास, सफल हो जाएंगे। और वही मैं कह रहे थे मोटे धीकरा मोटी धीकरी नहीं मोटी जिम्मेदारी,
गुरुदेव का काम संकल्प पूर्व से कैसे किया जाता है, सिखाओ सारे देश को, सारी दुनिया को, नहीं तो काय के मोटे दिख रहे। और मेरा तो भरोसा है दुनिया प्रभावित करती है, ये बात सच है। हनुमान जी को उन्होंने कह दिया तू बेवकत अपनी शक्ति दिखाता, भूल जा, तो भूल गए। तो जहां उन्हें जामंत ने याद दिलाया तो फिर आ गया। मुझे भरोसा है कि अगर उनका स्मरण दिला दिया जाए तो फिर कर जाते हैं। मेरे रात का अपना संकल्प भी कुछ है, उदाहरण दे देता हूं। शुरू शुरू की बात थी जब गुजरात में काम बढ़ रहा था, शांति कुछ बढ़ रहा था, ये अपना त्रिपदा वगैरह वाला, तो उसी में गोष्ठियां कर लेते थे आंगन में बैठ करके, बहुत लोग नहीं आते थे। गुजरात में जब भी कहते थे भाई कार्यकर्ता निकालो, तो वो कहते गुजरात में स्वभाव तो सगवड़ ना हो चाहिए, सगवड़ चाहिए, सुविधा चाहिए, तब होता है वो धन मुकी सके, सम टाइम न मुकी सके। मान्यता बना ली थी दुनिया की देख देख करके। हमने सुना वो अंबू भाई और काजी साहब वाला समय था, वहीं इकट्ठे ये हमने भाई देखो समझदानियों के बगैर काम नहीं चलेगा। और हमने सुना है कि लोग ऐसा कहते हैं गुजराती, बोले हाँ ये तो छे। हमने कहा ये आपने कह दिया कि गुजराती जो है सुविधा जीवी हो गया, विदेश में बहुत लोग रहते हैं, साधन खूब आ गए तो सुविधा जीवी हो गया है। लेकिन भैया मैंने सुना है गुजरात में एक व्यक्ति हुआ था, वो बाद में मूल शंकर पहले नाम था उसका, बाद में वो स्वामी दयानंद बन गया था, गुजरात का ही था ना है? वो तो सिर्फ लंगोटी लगा के रहता था। हमने सुना है, आपको तो गुजराती पता होगा है ना। और हमने सुना एक गांधी नाम का हुआ था जो आधे कपड़े पहन करके वाइफ पंचम जांच पंचम से मिलता था और उसको निरुत्तर कर देता था है। उनने कहा कि साहब आप ऐसे नहीं जा सकते बंकिम पैलेस में, बोले मुझे जाना ही नहीं है, लेकिन तुम्हारे बादशाह ने बुलाया, पूछो उसे मिलना है कि हमें व्यक्तित्व। उनने कहा ना जैसे आए वैसे आने दो, लेकिन अपने अहंकार में डूबे उन्होंने कहा मिस्टर गांधी ये आपने आधे अधूरे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। गांधी जी कहते हैं क्योंकि हम सबके हिस्से के आपने लाद रखे हैं। गुरुदेव कहते थे बेटा साधन सीमित हैं, तुम इकट्ठे करोगे तो इसी का हक छूनोगे। उन्हें पूरा उपदेश कह दिया कि भारत निर्धन इसलिए हो गया कि यहाँ की संपदा का हरण तुम करके ले आए, भारत सोने की चिड़िया ढूंढते तुम आए थे, हम नहीं गए थे तुमको बुलाने, अटकी तुम्हारी थी हमारी नहीं थी। तुम्हें पता था हमारे पूर्वज जब गए थे, फिर तो आवागमन कुछ कहीं टूट गया बीच में, जो कुछ हुआ हो तो तुम्हें ध्यान था एक ऐसा देश है जहाँ देवता पैदा होते हैं, यहाँ धरती शस्य श्यामला है, यहाँ मौसम बना करके बादल बरसते हैं और कहीं नहीं है, यहाँ मानसून वाला है, यहाँ हर चौ बारह साल पता है। और ढूंढते ढूंढते आए तुम संपन्न बन गए और तुमने सारा समय लिया, तो भाई हमारे तो कपड़े कम। हम जैसा ऐसा गांधी भी वो भी शायद गुजरात में ही पैदा हुआ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये ऋषि दयानंद वाला और गांधी वाला गुजरात थोड़ी बहुत सांस ले रहा है कि सारा विदेशी सगवड़ में समा गया? बात सोची उनने। उसके बाद गुजरात में कार्यकर्ताओं की कमी है कभी नहीं कहा, बड़े धीकनानी मोटी जिम्मेदारी निभाई, समझाने की जरूरत है, समझ लियो ना, सगवड़ वाली बात है। अब शांतिकुंज छोटा सा बढ़ता गया, अब जगह की दिक्कत होने लगी, हम ही में गए हम गुजरातियों को सुविधा नहीं मिलती। अरे भैया तुम ही अकेले गुजराती नहीं, और भी सब गुजराती हैं, आदत होती है पुराने, ऐसा हो जाता है। बात चली हमारे उस समय जो क्या उन्होंने कह दिया आप अपना गुजरात भवन बना लो, और भटा भी लिया और घोषणा भी कर दी। दीना के पिताजी है बोले उपाध्याय जी ये क्या हो रहा है, गुरु जी के यहाँ भी क्षेत्रवाद हो जाएगा। हमने कहा आप तो थे बोलते ना वहाँ, नहीं करने लगे। और राजस्थान वाले गए उन्होंने कहा ये क्या करवा दिया आपने, मेरे साहब तुम भी बनाओ अपना राजस्थान भवन, यहाँ तुमने ये कर दिया क्षेत्रवाद यहाँ भी फैला। कुछ नहीं, उसी के बाद मेरे संगठन के दौरे हुए, हमने कहा आपकी समझ में आ गई बलवंत भाई, हाँ अच्छा मैं करता हूँ। संगठन के दौरे में गया, हमने हर जगह जाके एक ही प्रश्न पूछा, ज़्यादा संभाल अभी कह रहा हूँ सबके बीच में, वही जो गिने चुने लोग थे उन्हीं से पूछा। हमने कहा क्यों भाई,
वो गुजरात भवन की बात हो गई, हाँ बहुत अच्छा हो गया। हमने कहा बहुत अच्छा नहीं हो गया, अभी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्यों? कि जितना बड़ा भवन बनेगा उससे 5 गुने गुजराती आते हैं, उसमें झगड़ा होगा। फिर सौराष्ट्र भवन बनेगा और कच्छ भवन बनेगा और सारे बनेगी, सब हंडर बांट हो जाएगी। और मेरी बात सुनो, अभी तो आप गुरु ग्रह में जा रहे हो, तपस्या करने जा रहे हैं, इस भाव से आते हो और तप का लाभ लेके जाते हो। फिर हम अपने बनाए भवन में जा रहे हैं, अहंकार लेके आओगे और छूछ चले जाओगे, बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि हमने सिर्फ 5-7 जगह ये बात कही थी, उसके बाद किसी ने गुजरात भवन की बात नहीं की। चंदा दे चुके थे लोग, हम लोग माता जी के नाम पर भगवती भवन नाम रख देते हैं, बन गया, आज तक नहीं उठी। तो ये मोटे धीकरानी विवेक की बात है, आमंत्रण करनो जो ही है, बात चल जाती है, नहीं आई कभी समस्या, क्योंकि अपने स्वरूप का बोध हो गया। हमने उस समय ये भी कहा था कि आप बड़े बेटे हो, हाँ, तो पिता तो चला गया, अब पिता के चलने के बाद बड़ा बेटे का क्या कर्तव्य होता है? सारी सुविधा अपने लिए समेट ले या सबको खिला के खाए और सबको सुना के सोए? जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी, स्वीकार कर लिया गुजरात, और सबको खिला के खाते हैं, सबको सुना के सोते हैं। याद दिलाने की जरूरत है, सामर्थ्य तो है, संस्कार तो है, ऋषि ने ऐसे थोड़ी कह दिया था। अरे राम ने यूं ही थोड़ी हनुमान को मुद्रिका पकड़ा दी कि सीता मिल जाए तो दे देना, हनुमान तो अपना स्वरूप भूला हुआ था, लेकिन जाम मंत्र ने समझा दिया, राम काज लग तब अवतारा, खड़े हो गए, सब हो जाएगा। और फिर आप अगर खड़े हो जाए, सचमुच आपका संकल्प जाग जाए, तो ये 1800 गांव तो बहुत छोटी बात है। अच्छा ये बताओ, मोटी बात पूछता हूँ आपसे, गुजरात में दीक्षितों की कितनी संख्या होगी? सन 53 से ही दीक्षा ले रहे हैं गुजराती भाई, और अभी तक अश्विनों में हजार हजार लाखों लाखों की दीक्षा होगी, सिर्फ दीक्षित लोग कितने होंगे? पुराने अनुभवी, कितने लोग गुजरात में दीक्षित होंगे? गुजरात में बोलो, नया खून दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, कितने होंगे दीक्षित? है बहुत छोटी संख्या है। ये 10 लाख कह रहे हैं, मान लिया हमने, कोई 50 लाख भी कहता छोड़ो बात, अपने अपने ऑफिस और अपने अपने व्यवसाय की हथकड़ियां पाने बैठे हैं। इनका दोपहर का समय खुला होता है, इनकी हिम्मत भी खुली है, समझो साहब, तो ये जाती हैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि अगर 5 लाख भी मान लें तो 20,000 पे कितने, 20,000 गांव में प्रत्येक गांव पे कितने साधक आ गए? क्यों कर 5 लाख, 20,000 है तो 1 लाख में से 5, ठीक है, और अगर 5,000 है तो एक गांव पर 25 युवनिर्माणी जाके खड़े हो जाए उस गांव में। सिर्फ दीक्षितों की बात कह रहा हूँ, अभी समर्थकों की नहीं कह रहा हूँ, अभी सहयोगों की नहीं कह रहा हूँ, अभी उन प्रबुद्धजनों की नहीं कह रहा हूँ जो आपकी योजना से प्रभावित हैं लेकिन गुरुदेव से दीक्षित नहीं। लेकिन गुरुदेव से दीक्षित तो शंकराचार्य जी भी नहीं थे, वो महात्मा आनंद स्वामी भी नहीं थे, लेकिन गुरुदेव के दुनिया के सबसे बड़े समर्थकों में से थे, और भी बहुत से लोग हैं, वो नहीं कह रहा। तो क्या रखा है? 25 लोग एक एक गांव में। अरे गांव की कोई समस्या बच्चा नहीं दूर से देख के ही भाग खड़ी हो जाए, अरे तपे हुए लोग हैं, गायत्री जपने वाले हैं, यज्ञ करने वाले हैं, अपनी अपनी रुचि का काम ले लें, एक स्वच्छता का ले ले, एक विषण मुक्ति का ले लेगा, दो दो चार चार की टोलियां, अरे हल्ला मच जाए। आप कर सकते हैं, सिर्फ ये समझा, देखो आप। और एक बात कहता हूं, मुझे जहां तक जानकारी मिली है, गुजरात में गुजराती भाई बहनों की जितनी संख्या है उतनी ही जनसंख्या गुजराती भाई बहनों की विदेशों में है, गलत तो नहीं है? अगर आप उनको जागृत करना शुरू कर दें, जो जहां है वहीं शुरू कर दो,
नहीं साहब वहाँ के तो ये मानते हैं, वो तो क्रिश्चियन है, वो तो मुस्लिम है। अरे भाई कोई हो, उज्जवल भविष्य तो सबको चाहिए। क्यों उज्जवल भविष्य तो सबको चाहिए, धरती पर स्वर्ग तो सबको चाहिए, दौरे हक सतयुग की बात तो मुस्लिम भी कहते हैं कि वो भी आना है, सब भी मानता है। आप कहो भगवान की इस योजना की आपको किसी ने सूचना दी, गॉड की परवरदिगार की ये योजना है कि सबके लिए उज्ज्वल भविष्य, और वो आपको साझेदार बनाना चाहता है। बनोगे? क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, 24 घंटे में एक घंटा निकाल दिया करो, हम बता देते हैं आपको, इतना सहज सूत्र। अरे सर हम तो गायत्री नहीं जपना चाहते, मत जपना गायत्री, लेकिन गायत्री का भाव समझ लेना, हे भगवान सबको सद्बुद्धि दे दो, सबको उज्ज्वल भविष्य के रास्ते पर चला दो, काम हो जाएगा। अपने नहीं कह रहा हूँ, गुरुदेव ने कहा था बेटा सबको, सबने उन्हीं ने गायत्री को सार्वभौम बनाया, उन्हीं ने कहा जो संस्कृत से परहेज करता है वो तो नहीं करेगा, तो मैंने नई गायत्री बना दी है, बना दूंगा नहीं, नई गायत्री बना दी है, क्या उज्ज्वल भविष्य की प्रार्थना सिखा दो। हम तो उस गुरु को मानते हैं, उसी गुरु से प्रार्थना करो, उसी भगवान से प्रार्थना करो कि हे गुरु जी हमें शक्ति देना कि हम भगवान के साझेदार बन जाएं, और हे परमात्मा आप हमारी साझेदारी स्वीकार कर लेना, हो गया काम। अरे कुछ तो जपेगा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, भाव आ जाए तो सब बात बदल जाए। गायत्री मान जाए तो बहुत अच्छी बात है, और वो तो अभी आपने पढ़ा होगा सोशल मीडिया पे आया है कि विदेशी डॉक्टरों ने भी, हमारे एम्स के भी डॉक्टरों ने, जहाँ वो बेचारे साधनों से चेक करके कह सकते थे, उनने कह दिया क्या गायत्री मंत्र तो लोगों को सद्बुद्धि दे सकता है, बुद्धि कर सकता है, अभी सद्भाव दे सकता है, उनके तो वहाँ मीटर ही काम नहीं करते, ये तो इनके मीटर काम करते हैं, लेकिन भावना, स्वार्थ को परमार्थ में बदल देना, कामना को भावना बदल देना, जो ये कह रहे थे योग के चिन्ह, वो सब गायत्री करता है। आप करना चाहो तो करो, नहीं तो इसका भाव ले लो, हो जाएगा, आप कर सकते हैं। और अपने गुजरात में ही कितने संगठन हैं गायत्री परिवार के अलावा जो समर्थ संगठन हैं, क्यों सर है ना, बहुत है, और उसमें कॉमन फेथ के बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, क्यों सर, क्या मोटा महाराज का ले लो, और चाहे वो स्वामीनारायण वाले ले लो, जो भी तमाम हैं, सब में कॉमन फेथ के लिए भी लोग हैं। कहो उन्हीं के हिसाब से, आपकी तो इतनी साधना है, आप इसको इधर को घुमा दो, उन्हीं के क्रम में अभी हम संपादकीय में लिख करके आऊँ, गुरुदेव ने कहा हम युग निर्माण करने चले हैं, हम अपनी सामर्थ्य बनाएं कि भारत की प्रमुख 30 भाषाएं और पूरे दुनिया की प्रमुख 150 भाषाएं, उनमें भी संदेश हमको ही पहुंचाना है, क्योंकि और किसी गुरु ने युग निर्माण का संकल्प नहीं किया है, हमारे गुरु ने तो किया है। नहीं साहब वो तो हमें दूर का मानते हैं, अरे वो मानेगा क्योंकि उसके गुरु में तो युग निर्माण की दृष्टि नहीं है, हमारे गुरु में तो दृष्टि है, तो आप जाओ और आप उनके बताओ, ना समझ के पास समझदार जाए उसे बताए कि समझ का तकादा क्या है। इस्लाम में भी लिखा है दो तरह के लोग हैं, जिनके पास किताब है, किताब माने ज्ञान, और दूसरे वो जिनके पास किताब नहीं है। आपके पास है मैसेज कि उज्ज्वल भविष्य आना है और भगवान की योजना चल रही है, संकल्प करने वाले को अनुदान मिलते हैं, और आपका अनुभव भी है, झूठा नहीं है, आप जान तो हम नहीं कर सकते थे, संकल्प किया तो हो गया, इस विश्वास के लेकर के आप जाओगे और लोगों से कहोगे कि भगवान की योजना है, आप शामिल हो जाइए, तो ये सब हमें भाषाएं सीख हमें करना, आप कर सकते हैं। मैंने ये कहा कि ये जो हम एक सीमा में जो अभी भाई ने संकेत किया और जी कह रहे थे गुरु जी आशीर्वाद देने वाले, ये करा दिया था, वो करा दिया था, ये करा दिया, लेकिन वो क्रांतिदर्शी ऋषि कहाँ चला गया, उसका तो ना हमें ध्यान है ना विश्व को हम परिचय करा रहे हैं। शायद पहले भी मैंने कभी सुनाई होगी, कपिल जी ने बताया था शक्तिपीठों के उद्घाटन दौरे में गुरुदेव चित्रकूट पहुंचे, बहुत व्यस्त कार्यक्रम था, जगह जगह लोग जहाँ नहीं है वहाँ भी लोग खड़े हो जाते थे, बहुत स्ट्रेन हो जाता था, अवस्था भी उनकी काफ़ी हो गई थी, उससे ऊपर तो आ जाता थोड़ा थकान का वो, तो उस दिन उन्होंने कहा कि गुरु जी यहाँ 3 दिन का कार्यक्रम है, 3 दिन का, जब बड़ी जगहों पर था तो वहाँ आता है, तो आज शाम का हम समर्थ संभाल लेंगे, कपिल जी और
लीलापत जी ने कहा आप सवेरे से फिर करना, सब लोग मान भी जाएंगे। गुरुदेव ने थोड़ा सा सोचा और नहीं बेटे बात नहीं बनेगी, क्यों? चित्रकूट मेरा पुराना स्थान है, समझ रहे गुरुदेव क्या? चित्रकूट मेरा पुराना स्थान है, तुम्हें नहीं मालूम कौन कौन किस रूप में बैठे होंगे, मेरे जाए बगैर समाधान नहीं होगा, मैं चलूँगा। और गुरुदेव गए और वहाँ जा करके उनकी भावना की सराहना की, क्यों बहुत लेट हो गए थे लेकिन लोग बैठे थे। उन्होंने कहा आप हमारे इसलिए आए हैं, इतने प्रेम से आए हैं, सबकी सराहना की। फिर बोले एकदम उनका स्वर बदलता था जैसे क्रांतिदर्शी वर्ग, वो पिता बड़े प्यार से सबको थपता और एक अंश से क्रांतिदर्शी पैदा हो जाता है, उस समय उनके साथ देखने नहीं बनता था। एकदम कहने लगे तुमसे कोई पूछे कि इतने परेशानी उठा के कहाँ गए थे, तो आचार्य जी से मिलना। तो कौन से आचार्य जी? तो यही दोगे ना कि बेटा नहीं होता तो बेटा करा दिया था, शादी नहीं होती तो शादी करा दी थी, मुकदमा जितवा दिया था, है ना? जैसे घटिया तुम ऐसा घटिया तुम्हारा आचार्य जी, घटिया बात। इसके लिए आया हूं मैं, मेरा परिचय देना है तो ये दो कि पूरे विश्व में भावनाओं का परिवर्तन करने वाला आचार्य, बौद्धिक नैतिक सामाजिक क्रांति करने के लिए तत्पर आचार्य जी, जिसके पेट में ज्वालाएं जलती हैं, जिसकी आंखों में चिंगारियां निकलती हैं, ये परिचय दो मेरा। लेकिन बेटा ये परिचय देने में तुम्हें दिक्कत होगी, क्यों? ये चमत्कारी आचार्य जी को कह दिया हमारा हो गया, जय जयकार कर दी, कुछ झूठी कह दी कुछ सच्ची कह दी, सब चलता है। लेकिन जब कहोगे कि हम युग दृष्टा युग सृष्टा के व्यक्ति हैं तो कहेंगे पहले तुम कितने बदले, हर कोई पूछेगा। तो उनका क्रांतिकारी स्वरूप देते ही तुम्हें अपना क्रांतिकारी स्वरूप पेश करना पड़ेगा जी। ये तो कठिन है, आपके हमारे लिए कठिन नहीं है भाई। दुनिया में कोई गायत्री खुला नहीं कर रहा था, महिला तो कर ही नहीं सकती और वर्ण तो कर ही नहीं सकते और ब्राह्मणों पर बिल्कुल दंड था, इसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ इसलिए ये नहीं करेगा गायत्री। और यज्ञोपवीत कराना है तो पंडित जी शादी के बराबर खर्चा करा दें तो यज्ञोपवीत कराने की हिम्मत ना पड़े, तो ब्राह्मण भी गायत्री नहीं कर पाता। और गुरुदेव ने गायत्री सबसे कहना शुरू किया और आपने भी भयभीत होकर पूछा, पूरी खराब नहीं बेटा मैं भी करता हूँ कुछ कर, आपने भी करना शुरू कर दिया। और चूंकि आपने करना शुरू कर दिया था तो आप जिसके पास गए आपके अंदर से एक तेज था, आपके अंदर से आत्मविश्वास था, मैं भी कर रहा हूं कुछ नहीं बिगड़ा तुम भी करो, ये बड़ा भारी विश्वास होता है। हाथ कंगन को आरसी क्या और कहीं के प्रमाण क्या लाना। एक शंकराचार्य बड़े दोहरे चार्ज में भी अभी नाम आम नहीं लेता, वो ऐसे कहीं उनका प्रवचन सत्संग चल रहा था मध्य प्रदेश में, किसी ने आचार्य जी का नाम ले दिया, वो तो सबको गायत्री कराते हैं, उन्हें बड़ा गलत करते हैं, भ्रष्ट कर रहे हैं, गायत्री को भ्रष्ट कर रहे हैं, क्या को सब कर रहे हैं। मान एक ऐसी आप में से जैसी कोई तेजस्वी बहन खड़ी थी अनुभव वाली, खड़ी हो गई, राजी आप जगत गुरु हैं नहीं तो मैं तो सनातनी हूँ, मेरे गुरु तो हैं, तो एक जिज्ञासा पूछूँ। हाँ पूछो, अगर महिलाएं गायत्री करेंगी तो क्या हो जाएगा? अब महिलाओं के लिए ये तो परमार्थ परायण होती है ना, तो परिवार का हित हो जाएगा, ये हो जाएगा, सबसे बड़ा विधवा हो जाएगी, बड़ा भय नहीं करते। उन्होंने कह दिया आप बात बिल्कुल पक्की कह रहे हैं, उन्होंने कहा झूठ कहता हूँ। तो वो बहन बोली हाथ जोड़ के, मैं फलारे नाम की आपकी बच्ची 20 साल से गायत्री मंत्र नियमित करता हूँ और मेरा हट्टा कट्टा पति वो बैठा है आपके सामने, अब क्या कहना, झल्ला पड़े बोले झल्लाइए मत। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी साधना में वो बल रहा है कि शंकराचार्य चुप हो गए, महामंडलेश्वर चुप हो गए और गांव का गंवार सहमत होकर के गायत्री जपने लगा और सब बढ़ गए आगे। वो है, आपने किया है ये मोर्चा, जीता है आपने ये मोर्चा, यज्ञ का मोर्चा आपने जीता है, सब लोग यज्ञ करेंगे, फूहड़ लोग भी यज्ञ करेंगे। और हम प्रगति करते करते टूटे फूटे मंत्रों से शुरू किया था, आज हम आश्रम वैदिक आचार्य कहलाते हैं, पहुंच गए ना, इसमें भी पहुंच जाएंगे, क्या दिक्कत है? नहीं, संकल्प करना तो कठिन है नहीं, कोई कठिन नहीं है। जैसा संकल्प होता है वैसी शक्ति आ जाती है, जैसी योजना होती है वैसा बजट दे दिया जाता है, लेकिन बजट को खर्च करने वाले प्रामाणिक होना चाहिए। आगे हाथ की भी पहचान बनना चाहिए, गुरुदेव की पहचान। हाँ, गुजराती मोटा धीकरा सूच है तो ये सुविधा नहीं, साधना में विश्वास करता है, ये नया स्वरूप उभरे,
गुजरात अभी सुविधा पे विश्वास करने वाला माना जाता है, लेकिन लोग कहने गुजरात हाँ सुविधा आती है तो अभी ठीक है, समर्थ है, लेकिन ये साधना में विश्वास करते हैं। इनके पास जो साधन पहुंचता है उसको साधना में लगाने की इनकी हिम्मत है। प्रतिभा को भी लगा सकते हैं, धन को भी लगा सकते हैं, ये भाव भरना चाहिए। और गुरुदेव ये क्रांतिदर्शी ऋषि है, मनोकामना पूर्ण करने वाले बाबा जी नहीं है, युग को बदलने वाले युग दृष्टा युग सृष्टा है, उनकी भी ये पहचान होना चाहिए। बढ़िया आ गया। जिस दिन ये पहचान बन गई, दुनिया के सारे संगठन आपके मार्गदर्शन में काम करने में अपने को धन्य मानेंगे, क्योंकि योजना किसी के पास, ये अनुभव किसी के पास नहीं है। तप शक्ति के ऐसे कमाल और किसी ने नहीं देखे, देवी सहयोग ऐसा बरसता ऐसा किसी का अनुभव नहीं है। जहां गए थे यज्ञ के लिए सहायता मांगने, पहला उसे किसी ने पहले से कन्विंस करके रखा, वो आगे आगे कहता है ये आपका अनुभव है कि संकल्प के साथ देवी अनुराम कैसे बरसते हैं। इसलिए मन छोटा करने की जरूरत नहीं है, करिए आगे बढ़िए। कई बातें कही थी गुरुदेव हैं, उन्होंने कहा बेटा संगठन ही मेरा रूप है, अपने अंग अवयव पढ़ते हैं कभी कभी, उन्होंने कहा रोज पढ़िए, रोज ना पढ़िए नियमित पढ़िए, कभी भी देख अपने को जैसे वो कह रहे थे ना, तौलते रहिए सत्संकल्प से और अपने अंग अवयव से। और वो लोग देख निर्देव उनके लिए पता, लोग सेवियों के लिए दिशाबोध, वो पढ़ें तो अच्छी बात है। रोज नए सूत्र आपके हाथ में आएंगे, क्योंकि वो तो उपनिषद के सूत्र हैं, एक होता तो दूसरा अपने आप खोल देता है। गुरुदेव उसमें क्या लिखा है, आप सबकी संयुक्त शक्ति का नाम ही है वह व्यक्ति जो ये पंक्तियां लिख रहा है ना। तो उनका असली स्वरूप क्या है, हमारी आपकी संयुक्त शक्ति। परमात्मा क्या है, सभी आत्माओं का समुच्चय, सभी गुणों का समुच्चय। तो हमारी युक्ति बढ़ेगी, और जब ये शक्ति बढ़ जाएगी तो कह रहे थे कुछ पशु होते हैं कुछ पिशाच होते हैं, उनसे निपटना है। धोनी का वाक्य है कि जब सज्जन संगठित होते हैं तो पशु सुधरते हैं और पिशाच दबते हैं। पशु है वो तो अपनी सुविधा जानता है, खेत देखा घुस गया चरने लगा, उसे किसका नुकसान हो रहा उसे पता नहीं, हमने जहां से वार थोड़े कर लिया, जब आया दौड़ पड़ा कि कुत्ता किसी भी कुतिया के पीछे, उसे नहीं पता इसका अनुशासन, पशु है। लेकिन जहां कोई आदमी खड़ा होगा डंडा खटकाएगा चला जाएगा, फिर नहीं घुसता, पशु सुधर जाते हैं। उन्हें भगवान ने अज्ञानी थे ज्ञान दे दिया, समझ गए। लेकिन पिशाच आप दिन में रोकोगे तो रात में घुस के काटेगा, वो सैन मारता है गड़बड़ करता है, इनको दवा नहीं पड़ता है। चूहे और खटमल प्रार्थना नहीं सुनते, उनके खिलाफ तो मोर्चा ही खोलना पड़ता है। तो ऐसा भी वर्ग होता है कि जिसके सामने मजबूती का मोर्चा खोलना पड़ेगा। अरे माता तो बलिदान से ही प्रसन्न होती हैं, खोल दो मोर्चा, हमने यहाँ सात्विक किया, जब तामसिक होते थे तो माता बलिदान मांगती थी और बलिदान न देने वाले से नाराज होती होगी, और हमने सात्विक कर दिया है, अब जो यहाँ बलिदान देगा उसका अनर्थ हो जाएगा। खड़े हो गए, ये बात करनी हिम्मत है, खड़े हो सकते हैं, ऐसे लोगों को करना पड़ेगा, हमें समझाना पड़ेगा, कर सकते। तो मेरा आपसे कहने का मतलब है कि तमाम बातें हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ा है, हर वर्ग हर क्षेत्र, और इतना मैंने कहा इतना तो आप कर रहे हो, हमने तो उपयोग किया है। जब दक्षिण भारत में जाने की जरूरत पड़ी थी तो वहाँ हमने विभिन्न सम्मेलन किए थे, तो राजस्थान के राजपुरोहितों का भी एक हमारी योजना में था नहीं, किसी ने कहा कि ये बड़े प्रभावशाली हैं दक्षिण में भी हैं, तो एक बुलाया उस राजपुरोहितों के सम्मेलन में दक्षिण में को हमको हर जगह घर दे दिया, ठिकाना दे दिया। और हमें पता पड़ा कि दक्षिण में टिम्बर का जितना व्यवसाय है सब गुजरातियों के कच्छियों के हाथ में है, तो यहीं क्रांति कुंज वालों से कहा था एक टोली बना के निकल जाओ और सब उनके यहाँ जो टिम्बर मारे उनके जाके उनके एक्ट में आके कर आओ, वो निकल गया 35 कार्यक्रम करके आ गए, वहाँ से हमारा रास्ता खुल गया, हमारा समर्थक वहाँ मिलने लगा, तो राजपुरोहित और गुजराती उनसे जा करके हो गया। ये भी सोच सकते हो हमारा बंगाल में वहाँ के मारवाड़ी और बंगाली भी मजबड़ाता था, एक आध गुजराती भी थे, वो भी इसी में करते रहते थे, और हमें गुजराती में गुजराती कह लें, यहीं के लोगों से कहा जाओ कलकत्ते में, वो वहाँ 25-30 कार्यक्रम करके आए, अगली दफ़े हम गए तो 150 गुजराती देखे मिले,
वो मैं गुजरात खत्म हो गया नहीं। तो ये मैं कह रहा हूँ वो भी आगे योजना बन सकती है और बहुत कठिन नहीं है। तो मैं जो निवेदन कर रहा था कि जो आप कर रहे हैं क्या आयोजन हो खूब भीड़ भी आ जाए वो भी आ जाए। और राजस्थान वालों ने भी ये किया था कोई एक व्यक्ति को दस गाँव क्यों नहीं उनको पूरी एक शाखा पे का हम तो तुमसे जवाब पूछेंगे गांव गांव जा करके और पांच पांच साधक बुलाए थे और फिर कहा था वहां पर पांच मंडल बनना चाहिए उसको वो भी कर ऐसे ही आप बनाओ जो साधक आ रहे हैं वही आएंगे और यहां से फिर संकल्प करके जाएंगे और आप उनको फिर फॉलो करेंगे। आपके पास अनुभव ज़्यादा है उनको दिक्कत आएगी तो आप उनकी हिम्मत बढ़ाएंगे उनका कौशल बढ़ाएंगे और फिर कम से कम गुजरात में तो वैसे ही हो जाए जैसे स्वतंत्र आंदोलन में था। सब आंदोलन में भाग नहीं लेते थे लेकिन अगर नारा लगा दिया जाए इनकलाब इनकलाब अंग्रेजों होता था नारा चाहे अंग्रेज को देख के घर में घुस जाता हो लेकिन नारा तो लगाता था। ऐसा आप ये स्थिति ले आते गुजरात में कि कहीं भी खड़े होकर के वो तो 21वीं सदी हम बदलेंगे सावधान ये हर कोई जहां नारा लगाओ जवाब देने वाला खड़ा हो जाए मतलब ये समर्थक हैं ये कुछ नहीं करते लेकिन एक हवा बना देते है ना। ये तो आप कर सकते हैं ये लगे ये प्रयोग हमारे छत्तीसगढ़ वालों ने शुरू कर दिया है आप भी शुरू कर दो और ऐसा स्थिति आ जाए बस ऐसी मंगल कामना करता हूँ। आप तो काम बढ़िया कर रहे हैं और हम भी आगे उत्साहित हुए और इससे आपके औरों को भी उत्साहित करेंगे लेकिन आप इतना टनाटन काम करना जो मोटा धीकरानु शोभा दे।